क्या कह करते थे ताई, इंद्रो की सौगन खा के क्या करते थे कि ताई मैं तो पेंशन भी 5100 कर दूंगा, ठेके भी बंद कर दूंगा, ठेके काम के पास और खोल दिए, और हाँ यूं है ताऊ की पेंशन जरूर काट दी इसने। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये साफ बात कर दी, जो पार्टी के गद्दार हैं उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। जब परिवार अलग हो रहा था तो चौटाला साहब हमारे आदरणीय है, और जब चुनाव लड़ने की बात है तो नाक रगड़ाने की बात कहने लगे। तो इनके तो भी मौसम के साथ भाषण भी बदलते हैं, इनके मौसम के साथ बयान भी बदलते हैं। आज हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की जिला कैथल की सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। ये मीटिंग जोन लेवल पर रखी गई थी, और किस प्रकार से संगठन को आगे और मजबूती दी जाए, और किस प्रकार से संगठन की आगे हरियाणा में चलते हुए HPSC और HSSC के घोटालों को देखते हुए उनको मद्देनजर रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत हुई थी, किस प्रकार और क्या रूपरेखा संगठन को आगे लेनी चाहिए। सर, बुढ़ापा पेंशन का ये है कि लगभग 2 लाख के आसपास बुजुर्ग जो आए हैं, बुढ़ापा पेंशन काटने की बात आ रही है। देखिए, बहुत निंदे की बात है, सरकार को इस तरह का कानून बनाना ही नहीं चाहिए। बुजुर्गों को पेंशन इस बात के लिए नहीं दी जाती कि उनकी आमदनी कितनी है, बुजुर्गों को पेंशन इस बात के लिए दी जाती थी कि भी उनके परिवार में, उनके घर में, उनके मान सम्मान में कभी कमी ना आए। सरकार को एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी, इस सरकार की एक बड़ी खासियत है, ये कोई भी फैसले लेती है तो अपने कान बंद कर लेती है। किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा इस सरकार के लिए उदाहरण है कि आपको लोगों की सुननी चाहिए पहले, और फिर आपको कोई कानून बनाना चाहिए। ये जो बुजुर्गों की पेंशन को काटने का इन्होंने फैसला करा है, जिन भी बुजुर्गों की 2 लाख से ज्यादा पेंशन है कि उनकी पेंशन कटी जाएगी। अब मैं आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूँ कि भाई हरियाणा की लगभग 60% जो आबादी है वो गांव में रहती है, और जो शहरों में भी रहते हैं, तो हमारे भारत की संस्कृति की एक बड़ी पुरानी परंपरा है, पुराना हमारा कल्चर है, संस्कृति है कि भाई जो परिवार है वो इकट्ठा रहता है, और जब तक परिवार के बड़े बुजुर्ग घर में बैठे तो चाहे वो आमदनी हो, चाहे जमीन हो, चाहे मकान हो, सब उनके ही नाम पर हो। अब जिस परिवार का की जमीनों का आगे बंटवारा नहीं हुआ, जाहिर सी बात है भी उसके इनकम टैक्स रिटर्न में भी जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग मेंबर होंगे उन्हीं का नाम आएगा, तो बहुत जाहिर सी बात है कि भी 2 लाख से ज़्यादा हो सकती है आमदनी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बुजुर्ग की अकेले की आमदनी 2 लाख है, वो 2 लाख आमदनी पूरे परिवार की होती है। ये बहुत ही निंदा की और बहुत ही शर्मनाक बात है कि सरकार को आज तक इस चीज़ का भी एहसास नहीं हुआ। चन्नायक चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों की पेंशन, बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए शुरू करने का काम करा था। सरकार ने ये फैसला लेकर के ना केवल बुजुर्गों का अपमान करने का काम करा है, जननायक चौधरी देवीलाल का भी अपमान करने का काम करा है। और मैं तो पहले क्या कहता था कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी का बी टीम का आदमी है, आज इन्होंने मिलकर के ये जो फैसला करा है, बुजुर्गों क्या कह करते थे ताई, इंद्रो की सौगन खा के क्या करते थे कि ताई मैं तो पेंशन भी 5100 कर दूंगा, ठेके भी बंद कर दूंगा, ठेके काम के पास और खोल दिए, और हाँ यूं है ताऊ की पेंशन जरूर काट दी इसने। तो ये जो बात करते हैं किसान आंदोलन की, इनसे जरा ये तो पूछो, अगर इतना ही आपको लग रहा था ये ढकोसला है, तो फिर क्यों भी आपने कानून वापस लिए? और भैया, अगर कोई किसान संगठन भी चुनाव लड़ना चाहता है तो ना तो उनके पास ये ताकत है कि वो रोक दे किसी, ना आप में है ना मेरे में, ये ताकत केवल और केवल जनता के पास है। उनको जवाब जनता देने का काम करेगी, आपका काम जवाब देना नहीं है। अगर आपने जवाब देना है तो पत्रकारों के बजाय इस प्रदेश की जनता को जवाब दीजिए, जो आपकी सरकार में इतने घोटाले हुए, जो आपके डिपार्टमेंट में इतने घोटाले हुए, उनका जवाब देने का काम कीजिए। बात कब नहीं होती थी, रोज कोई ना कोई आके कोई बात कर देता है, पर जैसे कि हमने पहले भी ये बात कह रखी है, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये साफ बात कह रखी है, जो पार्टी के गद्दार हैं उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। तो उनके द्वारा तो कहा नहीं गया परिवार को, उनके कारण किन के द्वारा अजय चौटाला भी कहा के हमने आपके आगे क्या होगा जी, हमारे आगे परिवार ने भी बयान दिया है कि बोला है कि जनवरी में वो भी हो जाएगा अगर ओम प्रकाश चौटाला जी चाहेंगे। आप एक चीज देखिए, अजय चौटाला जी का, जजपा का ले लो, इनके मौसम के साथ साथ बयान भी बदलते हैं। ये क्या कह रहे थे कि भी जब कृषि कानून आए हैं इनके अंदर संशोधन हो जाएगा, हटेंगे नहीं,
हट गए तो वाह मोदी जी क्या गिफ्ट दे दिया आपने हमें, जब परिवार अलग हो रहा था तो चौटाला साहब हमारे आदरणीय है और जब चुनाव लड़ने की बात है तो नाक रगड़ाने की बात कहने लगे। तो इनके तो जी मौसम के साथ भाषण भी बदलते हैं, इनके मौसम के साथ बयान भी बदलते हैं। अभी जो मौसम है जजपा के लिए बहुत गर्मा गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इनको चाहिए कि भी कोई थोड़ा सा हमें सहारा मिल जाए। तो आप बताओ, आपने देखा होगा गाँव में इनका क्या हाल है, जब इनके नेताओं को कोई चाहता नहीं, जब इनका विरोध इतना हो रहा है, तो भी वो तो फिर कहीं ना कहीं अपनी पुरानी गलतियों को मानेंगे। फोटो वायरल कर रहे हैं सर चौटाला साहब के साथ। मैं कहता हूँ एक चीज बताओ जी, आप भी अपने दादाजी से मिलते होगे, पैरों के हाथ लगाते होगे, आपने करी कभी वायरल? क्या जरूरत ऐसी पड़ गई कि भी ये फोटो भी वायरल करनी पड़ रही है? क्या जरूरत ऐसी पड़ गई कि ऐसे तरह के टैग लगाने पड़ रहे हैं? ये सारा इनका रोज का ही काम है, इन्होंने और कुछ नहीं, इन्होंने तो एक राजनीति करनी है, इन्होंने तो एक शोबाजी करनी है, और ये आज से नहीं करते आ रहे, पहले से करते आ रहे हैं, और यही चीजें हैं जो किसी भी संगठन को ना तो पसंद है ना। आप ग्राउंड पे काम करो, लोग अपने आप आपके साथ लगेंगे, आपको ये सब हथकंडे करने की फिर जुट नहीं पड़ेगी।